हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में एक हीरो ऐसा भी था जिसकी गिनती स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर में की जाती है, पर फिर भी वो हीरो पूरी फिल्म में बहुत ही कमजोर दिखाई दिया। वो था विजन, जिसको स्टार्ट में ही कार्वस ग्लेव ने स्टैप किया, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन क्या होता अगर वो इतना कमजोर नहीं होता? अब इसके दो रास्ते हो सकते थे। पहला ये कि कार्वस ग्लेव विजन को स्टैप नहीं करता। इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जो आपको आई बटन में मिल जाएगी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा रास्ता ये कि विजन को रिपेयर किया जाता। अब टोनी स्टार्क इन्फिनिटी वॉर में टाइटन पे चला गया था, तो अब सिर्फ सूरी ही थी जिसके पास विजन को रिपेयर करने की इंटेलिजेंस और एडवांस लैब थी, और उसने ऐसा करने की कोशिश भी की कि विजन से माइंड स्टोन अलग हो जाए और विजन ठीक हो जाए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर सूरी विजन को ठीक करने में कामयाब हो जाती तो क्या होता। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो दोस्तों, सूरी ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में विजन को ठीक करने से ज़्यादा ध्यान दिया उसके सिर से माइंड स्टोन निकालने पर, क्योंकि अवेंजर्स का यही प्लान था, माइंड स्टोन को विजन के सिर से अलग करके उसको तोड़ देना। जबकि हम सबको पता था कि इसका कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि थेनोस टाइम स्टोन की हेल्प से टूटे हुए माइंड स्टोन को वापस जोड़ लेता। तो क्या होता अगर सूरी विजन के सिर से बिना माइंड स्टोन निकाले उसे ठीक कर देती? अगर ऐसा होता तो वकांडा में अवेंजर्स के पास एक और हीरो होता आउटसाइडर से लड़ने के लिए। शायद थेनोस इन्फिनिटी स्टोन की हेल्प से विजन को हराकर माइंड स्टोन लेने में कामयाब हो सकता था, पर उसके आने से पहले अवेंजर्स आउटसाइडर से जीत चुके होते, क्योंकि विजन के टाइम पर ठीक होने की वजह से अवेंजर के साथ विजन भी आउटसाइडर से लड़ने के लिए तैयार रहता और उसके साथ वांडा भी बैटल फील्ड में स्टार्ट सही होती, जो कि लैब में विजन के सिर से माइंड स्टोन निकलने का वेट कर रही थी ताकि उसे तोड़ सके। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि वांडा विजन अगर शुरू से ही आउटसाइडर से लड़ते तो क्या होता, और साथ में कुछ ही समय में थॉर का रॉकेट और ग्रूट के साथ वकांडा में आना पक्का था। तो यहाँ अवेंजर्स वकांडा की आर्मी के साथ मिलकर आउटसाइडर को हरा चुके होते, पर थेनोस के आने के बाद ज्यादातर चांस यही होता कि वो इन्फिनिटी स्टोन यूज करके विजन के सिर से माइंड स्टोन निकाल लेता। और अगर ध्यान दें तो वकांडा पहुंचने के बाद थेनोस ने ज्यादातर इन्फिनिटी स्टोन यूज करके ही हमारे हीरोज को हराया था। तो विजन के ठीक हो जाने के बाद भी वकांडा के फाइनल बैटल के रिजल्ट पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैटल में थेनोस के आने से पहले अवेंजर्स आउटसाइडर से जीत चुके होते। तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉसिबिलिटीज जो सच हो सकती थी अगर सूरी ने विजन को रिपेयर कर दिया होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें। अगर आपके हिसाब से कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती थी तो उसे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।